नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इसकी टोटल कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखते रहिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक। तो दोस्तों मर्दानी 2 मूवी 103 मिनट की मूवी है और इसमें डायरेक्टर ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। डायरेक्टर और राइटर इस मूवी के एक ही हैं, गोपी पुथरन। दोस्तों इस मूवी में जो डायरेक्टर कहना चाह रहा है वो एक ज़बरदस्त मैसेज, वो आपको ज़रूर सुनना और देखना, समझने की भी ज़रूरत है कि हमारे समाज में आजकल कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी में एक सनकी आदमी ऐसा होता है, ऐसा लड़का होता है जो वो किसी भी अच्छे मॉडल घर के लड़की को, किसी भी जो छोटे कपड़े पहन रही है, ज़्यादा बोलती हो, ज़्यादा स्मार्ट अपने आप को बनने की कोशिश या दिखावे की करती हो, तो उसको न जाने क्यों ऐसा ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसको किडनैप करता और रेप करता है। ये मूवी की कहानी है दोस्तों इसमें। और रानी मुखर्जी उससे फाइट करते रहते हैं, लास्ट में उनका जो कि बीच में एक बार मिलता है, फिर लास्ट में उसे मिलना होता है। तो दोस्तों आपको अभी जल्द ही हैदराबाद की कहानी याद होगी, हैदराबाद में जो अभी एक लेडी डॉक्टर को रेप किए थे 4 लोगों ने मिलकर, और उनकी शक्ल जो मीडिया में आई थी जिन लोगों ने रेप किया था, उनको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भिखमंगे हैं, लेकिन उनके भी दिमाग में यही बात आई थी। डॉक्टर लेडी को देख करके उन्होंने भी ऐसा हर्ट किया होगा कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है। पहले प्लानिंग के तहत उनको उठाया गया, जैसे कि उनकी स्कूटी पंचर की गई, फिर उनको हेल्प के बहाने उनका साथ ले गया गया कहीं पर सुनसान जगह पर, फिर उनका जो है कि रेप किया गया। तो दोस्तों समाज में ऐसे गंदे बुरे लोग बहुत से पड़े हुए हैं और डायरेक्टर ने इस मूवी को बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है। इसको कहानी खुद गोपी पुथरन जी ने लिखी हुई है और इस मूवी में जनता के लिए मैसेज भी, ये आपको फिल्म एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक मैसेज की तरह बिल्कुल देखना चाहिए। और ये एक ज़बरदस्त मूवी है दोस्तों। अगर मैं इसकी बजट की बात कर लूँ तो ये मूवी 25 करोड़ रुपये का टोटल बजट है इस मूवी का, और जो पहले दिन का कलेक्शन है दोस्तों वो भी लाजवाब है। रानी मुखर्जी के लाइफ की पहली ये मूवी है जो कि इतना कलेक्शन कर चुकी है। और दोस्तों अगर हम रिव्यू की बात कर लें तो पब्लिक रिव्यू भी इससे काफ़ी अच्छा आ रहा है और क्रिटिक्स ने भी काफ़ी अच्छे रिव्यू इसके दिए थे। और प्लस दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में इस मूवी को लेकर काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है, फर्स्ट डे देखे भी हैं लोग मूवी को। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मूवी आपको भी देखनी चाहिए। अगर इंडिया में टोटल कलेक्शन की हम बात कर ले तो ये इंडिया में टोटल कलेक्शन 4 करोड़ रुपए की करती हुई नज़र आ रही है, जो कि अब तक का डाटा सामने आया हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मर्दानी मूवी ज़बरदस्त साबित हो पाएगी या नहीं? अगर आप देख चुके हैं मूवी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वही मैं आपको बता देता हूँ कि द बॉडी बिल्कुल ही डाउन हो गई है, पहले दिन बिल्कुल डाउन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सारे सिनेमा घरों में वो आफ्टरनून के बाद लग रही है, वो पहले बिल्कुल नहीं लग रही है, इसलिए वो बिल्कुल डाउन है। ये है नंबर 1 मूवी आज के डेट में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।